Hello everyone, welcome back. So friends, yes, let's start with our new chapter, that is meetings of board and its committees. Right now friends, ये जो meetings वाला part है, obviously ये काफी important chapter माना जाता है आपके exam point of view से, right? And आपके syllabus में, as you know, there are three chapters related to meetings. एक तो है meetings of board and its committees, उसके बाद next आता है general meetings, and तीसरा क्या आता है virtual meetings, right? So friends, in this video, we are going to revise. जैसे हमने पहले किया था question wise learning करेंगे, right? So in this, we are going to cover what meetings of board and its committee के कुछ case study questions, right? So let's go friends with our first question. So friends, हमारा सबसे पहला question क्या है? So friends, first question says that the Star General Limited held a meeting of its board of directors on 31st of October. 31st of October को इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई 2010 में एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. ठीक है, नाउ दो द कंपनी हैज 12 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड, ओनली 5 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग. 12 में से सिर्फ कितने प्रेजेंट थे? सिर्फ 5 प्रेजेंट थे, राइट, मीटिंग के कमेंसमेंट पर. देयर आफ्टर इवन व्हाइल द मीटिंग वाज इन प्रोग्रेस द टू मोर डायरेक्टर्स लेफ्ट द मीटिंग. मतलब जब मीटिंग चल रही थी तो वो जो 5 बचे हुए थे उसमें से भी 2 लोगों ने मीटिंग आधे से छोड़ दी. मीटिंग तो चल रही थी, प्रोग्रेस में थी, राइट, एंड द रिमेनिंग डायरेक्टर्स कैरीड ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग. बाकी लोग डायरेक्टर्स ने कंटिन्यू रखी मीटिंग. नाउ डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजंस इफ एनी टेकन बाय द रिमेनिंग 3 डायरेक्टर्स. तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है मीटिंग में प्रेजेंस रहने की, बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंस रहने की, राइट. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे कौन से एप्लीकेबल प्रोविजंस होंगे, कौन सा सेक्शन की यहाँ पे हमें याद आती है इस क्वेश्चन को देखकर. तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग. दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, राइट. तो फ्रेंड्स, कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? आंसर इज सेक्शन नंबर 174. यस, तो यहाँ पे एप्लीकेबल प्रोविजंस में क्या आ जाएगा? सेक्शन नंबर 174. यस, तो फ्रेंड्स हियर यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पहले सेक्शन 174 में क्या लिखा है. व्हाट इज द कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग? तो फ्रेंड्स, कोरम इज वेरी सिंपल, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स, राइट. 1/3 of the total number of directors or 2 directors, whichever is higher, will be the quorum. इतने लोग तो minimum present होने ही चाहिए, right? So वो उसको हम लोग quorum कहते हैं. Minimum number of members required to conduct the meeting, right? तो friends, 174 हमें बताता है regarding what quorum. Quorum किस चीज का? Board meeting का, right? Quorum of board meeting. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कोरम के रूल्स, दैट इज वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन सेक्शन नंबर 174. जैसे मैंने अभी बताया, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या फिर 2 डायरेक्टर्स, व्हिचएवर इज हायर, विल फॉर्म द कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग. तो हम लोग वो एक्सप्लेन कर देंगे पहले यहाँ पर, ठीक है. आफ्टर दैट, अगर मैं इसको और भी कंटिन्यू करूँ कोरम वाले पार्ट को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली बोला गया है 2 चीजें. एक तो अगर डायरेक्टर ऑडियो विजुअल मैनर से भी मीटिंग अटेंड करता है, नो प्रॉब्लम, राइट, उसे भी हम लोग कोरम में काउंट करते हैं. हालांकि ऐसा कोई सिचुएशन इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, रिवाइज करने के लिए मैंने इसको बोल दिया, राइट, कि अगर ऑडियो विजुअल मैनर से भी अगर डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करता है, दैट डायरेक्टर विल बी काउंटेड इन द कोरम. ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड्स, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले तो मैंने आपको मिनट बता दी, फिर मैंने आपको बता दिया कि ऑडियो विजुअल वाला भी काउंट होता है कोरम में. थर्ड एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज फ्रेंड्स, ये जो कोरम है, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग, ये जो कोरम है, ये कोरम शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग थ्रू आउट द मीटिंग. मींस जब मीटिंग शुरू हुई है, सिर्फ शुरू होने पर, मतलब सिर्फ कमेंसमेंट पर कोरम का प्रेजेंट होना इज नॉट सफिशिएंट. Quorum must be present throughout the meeting. आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अभी आपको एक क्वेश्चन में कनेक्ट हो गया होगा बात, क्या कि यहाँ पे आपने देखा कि out of 12 directors, ठीक है,
कितने लोग प्रेजेंट थे? सिर्फ 5 डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे। तो अगर आप इसका 1/3 निकालते हैं, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स व्हिच एवर इज हायर, तो अगर मैं 1/3 निकालता हूं तो आंसर क्या आएगा? 4, राइट? दैट मींस यहां पे कोरम कितना होना चाहिए? 4। लेकिन यहां पे कितने लोग प्रेजेंट है? 5 प्रेजेंट है। वेरी नाइस। दैट मींस कोरम की जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? ओके, तो कोरम तो प्रेजेंट था, लेकिन 5 डायरेक्टर्स वो प्रेजेंट कब? एट द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। हाँ, कमेंसमेंट के वक्त ये लोग प्रेजेंट थे। देयर आफ्टर जब मीटिंग चल रही थी, मीटिंग वाज इन प्रोग्रेस, टू लेफ्ट, दो लोग और मीटिंग लीव करके चले गए। मतलब 5 में से और 2 चले गए, तो बचे कितने? सिर्फ 3। तो सर क्या 3 यहाँ पे कोरम हो रहा है क्या सेटिस्फाई? आंसर इज नो। यहाँ पे तो कोरम आता है, आंसर इज 4। 4 लोग तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? ओनली 3। तो कहना है से यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग हैज इज बिलो द कोरम। यस, यहाँ पे कोरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अब ये लोग जो डिसीजन लेंगे, रिमेनिंग डायरेक्टर्स, क्या वो डिसीजन वैलिड माना जाएगा? आंसर इज नो। क्यों नो? अरे बिकॉज कोरम ही प्रेजेंट नहीं है। हाँ या ना? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एप्लीकेबल प्रोविजंस में ये कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, राइट? सो इसीलिए हमने ऊपर जो एक्सप्लेन किया सेक्शन 174, राइट, वो हमारा प्रूफ होना चाहिए, वो हमारा सफिशिएंट इनफ हमारा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए टू सपोर्ट अवर कंक्लूजन, ठीक है? अब यहां पे अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, राइट, हम लोग हमेशा पहले क्या करते हैं? वी राइट द प्रोविजंस, देन वी राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड देन वी राइट द कंक्लूजन, राइट? तो फैक्ट्स में आपको क्या समझ में आता है यहां पे क्वेश्चन में क्या है? व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन? द फैक्ट्स बहुत सिंपल है कि कंपनी ने मीटिंग बुलाई, बोर्ड मीटिंग बुलाई, राइट, रजिस्टर्ड ऑफिस में, 12 डायरेक्टर्स में से 5 प्रेजेंट थे एट द कमेंसमेंट, बाद में बाकी दो ने मीटिंग छोड़ दी, हाँ या ना? एंड रिमेनिंग डायरेक्टर्स कंटिन्यूड विद द मीटिंग, इतना आएगा फैक्ट्स में। फैक्ट्स मतलब क्या? बहुत सिंपल, एक्चुअल में जो हुआ है वो खाली बताना है बस। फैक्ट्स में क्वेश्चन मत लिख देना, व्हाट विल हैपन, डिस्कस द वैलिडिटी, ऐसे मत फैक्ट्स लिख के भूल जाए, ठीक है? After that, आता है हमारा final answer, that is conclusion. How will you start the conclusion? जैसे मैंने हमेशा बताया, क्या आप लिखेंगे यहाँ पे as per the above provision, as per the above provisions, right? As per the above provision and then write your final answer. अभी एस पर दी अबव प्रोविजन का मतलब अभी आप भी समझते हो कि ऊपर जो हमने प्रोविजन लिखा वो सफिशिएंट इनफ होना चाहिए, तभी तो वो हमारे यू नो कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा, राइट? सो एस पर द अबव प्रोविजन, देन राइट योर फाइनल आंसर। क्या लिखेंगे आप फाइनल आंसर? कि यहाँ पे एस पर सेक्शन 174 एनएसएस 1 द कोरम शुड नॉट ओनली बी प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग बट थ्रू आउट द That is even when the business transaction is being transacted, तभी भी present होना चाहिए कोरम. So in the given facts, as per the given facts, the quorum was not present. Therefore, the decisions taken by the remaining 3 directors shall not be valid. Right? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? अपने answer को conclude करेंगे. I hope इतना समझ में आ गया. And यहाँ पे आपने revise भी कर लिया. Quorum के rules, that is section 174, right? I hope this much is clear to everybody. Let's go to our next question. तो friends, हमारा next question है, yes, क्या कहता है? Out of the 9 directors in Rooftop Limited, okay, 5 are Indian national, ठीक है, 5 में से 5 are Indian national, 3 are foreign resident, and 1 is the person of Indian origin. Okay. Now the articles of the company stipulate that the quorum for board meeting shall be 5 directors, of which at least 1 director shall be a foreign resident. Okay. Referring to the provisions of Companies Act 2013, examine the validity of the above provision in the articles. So friends, yahan pe clearly bola gaya hai ki company ko kya chahiye? Out of 9, 5 डायरेक्टर्स जो है, 5 डायरेक्टर्स क्या है? इंडियन नेशनल, 3
फॉरेन रेसिडेंट एंड एक इंडियन ओरिजिन, ये सिचुएशन है कंपनी के डायरेक्टर्स की आउट ऑफ 9, दिस इज द ब्रेकअप। अभी अगर आप काउंट करिए, कोरम की बात करिए, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 9। तो कोरम का रूल क्या है, अगेन हमें कौन सा वाला प्रोविजन याद आएगा, सेक्शन नंबर 174 याद आएगा, राइट राइट। तो 174 जो बात करता है कोरम के बारे में, राइट right? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोरम क्या होता है बोर्ड मीटिंग का, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या फिर 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर। तो अगर मैं 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज 9, राइट। अगर हम क्या करें, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज 9, अगर हम ये निकाले तो आंसर क्या आएगा, 3 डायरेक्टर्स आंसर आएगा, राइट right? और 2, विच एवर इज हायर, तो 2 हायर है या 3, ऑब्वियसली 3। सो हमारा यहाँ पे 3 शुड बी द आंसर, 3 इज द कोरम, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी से दैट कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल बी 5 डायरेक्टर्स। कंपनी के आर्टिकल्स कहते हैं कि 5 डायरेक्टर होने चाहिए कोरम में, एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 174 बोला गया है कि 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स कौन सा वाला कंसिडर करेंगे हम लोग, तो फ्रेंड्स अगर हम 174 को ध्यान से पढ़े तो वहां पे ये तो लिखा हुआ ही है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर। लेकिन वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि कंपनी के जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, AOA जिसको आप कहते हो, वो अगर चाहे तो हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी स्पेसिफाई कर सकता है। मतलब अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज द कोरम, तो आर्टिकल्स वाला माना जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हाल है, यू कैन सी द आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, कितने होने चाहिए, कोरम शैल बी 5 डायरेक्टर्स, 5 डायरेक्टर्स को कोरम बोला है यहाँ पे, राइट right? तो आंसर क्या आएगा, 3 या 5, आंसर इज 5, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी मेंशनड इन सेक्शन नंबर 174, क्या कि 1/3 या फिर एस पर AOA, कुछ भी चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो AOA बोल रहा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज AOA कैन स्पेसिफाई द हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट फॉर सैटिस्फाइंग द कोरम, सो दैट इज द प्रोविजन। तो यहाँ पे अगर ये 5 डायरेक्टर्स की डिमांड कर रहा है हमारे कंपनी का आर्टिकल्स, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी परमिटेड अंडर सेक्शन 174। तो हम लोग यहाँ पे 174 को एक्सप्लेन कर देंगे, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि जो भी कोरम है दैट शुड बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट थ्रू आउट द मीटिंग। देन हम ये कोरम की बात लिखेंगे, 1/3 वाला बात, और 2 डायरेक्टर्स, व्हिच एवर इज हायर, एंड ऑल्सो वी विल राइट कि आर्टिकल्स मे प्रोवाइड द हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, हायर नंबर फॉर द कोरम। सो ये हमारे हो गए प्रोविजंस। देन फैक्ट्स में हम क्या लिखेंगे, फैक्ट्स में एज यू नो वी जस्ट राइट द कंटेंट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, के 9 में से 5 डायरेक्टर ये है, 3 डायरेक्टर ये है, आर्टिकल्स ये कह रहा है, हाँ या ना, फैक्ट्स लिख देंगे। एंड फाइनली इन द कंक्लूजन वी विल राइट एस पर द अबव प्रोविजन। मैंने आपको बोला था क्या कि हम जो भी लिखते हैं प्रोविजंस में ऊपर, वो कैसा होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए, राइट, एस पर द प्रोविजंस अबव, provisions above, अब आप लिख सकते हो आपका final answer, right? That the higher number of quorum requirement specified in the articles is valid as per the Companies Act 2013, right? And as a क्यों है, ये तो हमने ऊपर provision में already explain करी थी। तो इस तरीके से आप इस answer को draft कर सकते हो, right friends? I hope you understood this. Again, this is also an exam question. पहले आ चुका ही ये question exam, right? चलिए आगे चलते हैं। What is our next question? Third question. Third question कह रहा है कि the board of directors of a company, board of directors of a company met thrice in the year. मतलब 3 बार मिल चुके हैं board of directors in a year 2015, right? And the fourth meeting was not held for the want of quorum. Fourth meeting conducted anyway because quorum was not present. ठीक है? Now, as a CS, examine the provisions of the Companies Act 2013 and decide with the reasons whether the company has complied with the requirements of the meetings to be held
इन अ कैलेंडर ईयर और वायलेटेड द रिक्वायरमेंट्स देयर. अभी फ्रेंड्स मैं आपको लेके चलता हूं हमारे सेक्शन नंबर 173 में. यस, बिकॉज सेक्शन नंबर 173 बात करता है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग. मतलब कितनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन से प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे. तो आंसर है सेक्शन नंबर 173. ठीक है, एंड मत भूलो हमें साथ साथ में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 को भी लेकर चलना है. यस, सो हमें SS1 में जो स्पेसिफाई किया गया रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग उसे भी स्पेसिफाई करना है. ठीक है, सो फ्रेंड्स यस, तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 173? चलो रिवाइज भी कर लेते हैं और इस आंसर का जवाब भी दे देते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 173 बात करता है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग. मतलब एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, मतलब कंडक्ट करनी ही पड़ेगी. यस, एज पर कंपनीज एक्ट. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर, कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर. यस, ये करंट ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर लिखा है. तो फ्रेंड्स कंपनीज एक्ट कहता है कि सारे डायरेक्टर्स साल भर में मिनिमम 4 बार मीटिंग करेंगे और कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो कितनी बार बोला है? एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन अ कैलेंडर ईयर, ऐसा बोला है सेक्शन 173 में. ठीक है, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी, मतलब 4 बार तो कंडक्ट होनी ही चाहिए बोर्ड मीटिंग. एंड ऐसा भी बोला गया है फ्रेंड्स क्या, कि जो 4 बोर्ड मीटिंग होनी है, ठीक है, द गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स, अभी 4 होनी है 1, 2, 3, 4, तो जो 2 मीटिंग के बीच में गैप है, द गैप शुड नॉट एक्सीड 120 डेज. मतलब अगर आज एक मीटिंग हुई तो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 120 डेज के अंदर अंदर कंडक्ट हो जानी चाहिए. गैप जो है वो 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, तो ऐसे कर करके आपको क्या करना है, 4 मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी साल भर में. राइट, सो दैट इज द रूल फॉर 173. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी. एंड अगर आप आगे की बात करो तो आप सबको पता है कि जो स्मॉल कंपनीज है, राइट, अदर 1% कंपनीज है, इन सबको एक रिलीफ दिया गया है. इनके लिए बोला गया है कि आप लोग 4 मीटिंग कंडक्ट मत करो तो भी चलेगा. यस, फॉर देम इट इज सेड दैट कि दे हैव टू कंडक्ट ओनली 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द ईयर. अभी 1 ईयर में 2 हाफ होगा, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ में 1 मीटिंग और सेकेंड हाफ में 1 मीटिंग, ऐसा रूल बनाया गया है. फॉर सच तो इनको 4 मीटिंग के बदले सिर्फ 2 ही मीटिंग प्रैक्टिकली कंडक्ट करनी है. एंड यहां पर भी गैप के बारे में बोला गया, द गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शुड नॉट बी, गैप शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज. मतलब यहां पे बात हो रही है मिनिमम गैप की, मिनिमम 90 दिन का गैप तो होना ही चाहिए, अदरवाइज लोग क्या करेंगे? फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ, एक मीटिंग यहाँ पे, एक मीटिंग यहाँ पे, राइट, एक मीटिंग इस पीरियड में कंडक्ट करनी है, दूसरी मीटिंग इस पीरियड में कभी भी कंडक्ट करनी है, तो लोग क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, एक मीटिंग इस दिन, एक मीटिंग इस दिन, दोनों का काम हो गया, एक दिन दो दिन बैक टू बैक कर दो मीटिंग, चलेगा? नहीं, ऐसा एक के बाद मीटिंग करोगे एक के बाद एक तो नहीं चलेगा. आपको क्या करना है, मिनिमम गैप रखना है 90 डेज का बिटवीन 2 मीटिंग्स इन दिस केस, राइट. तो जनरल रूल क्या था, 4 मीटिंग इन अ ईयर, गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज, यहाँ पे मैक्सिमम 120 डेज का गैप होता है, आया ना? यस, इफ वी टॉक अबाउट द स्मॉल कंपनीज, 1% कंपनीज, यहाँ पे कितना बोला है, 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द ईयर, तो साल भर में 2 मीटिंग हो गई, आया ना? एंड यहाँ पे क्या बोला है, गैप के बारे में, गैप शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच. सो ये था हमारे फ्रीक्वेंसी के बारे में. अभी अगर हम लोग फैक्ट्स के बारे में बात करें, क्या फैक्ट्स है इस केस में, इस क्वेश्चन में फैक्ट्स ये है कि इस कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की है थ्राइस, सिर्फ 3 बार बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की है. होनी कितनी बार चाहिए थी, जैसे हमने डिस्कस किया 173 में कि मिनिमम 4 मीटिंग तो कंडक्ट होनी ही चाहिए, बट दिस पीपल हैव कंडक्टेड ओनली 3 मीटिंग्स, राइट, एंड द फोर्थ मीटिंग वॉज नॉट हेल्ड फॉर द वॉन्ट ऑफ कोरम, अरे वो जो भी हो, लेकिन साल भर में 4 मीटिंग तो नहीं हुई, राइट.
तो फ्रेंड्स नाउ यहां पर एज अ सीएस एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड डिसाइड वेदर कंपनी ने कंप्लाई किए हैं रिक्वायरमेंट्स या वॉयलेट किए हैं। तो बहुत साफ साफ आंसर है कि कंपनी ने प्रोविजंस जो है कि चार मीटिंग होनी चाहिए उसको क्या कर दिया, उसको वॉयलेट कर दिया। यस राइट, तो यहाँ पे कंपनी हैज वॉयलेटेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 173 NSS1 राइट। सो फ्रेंड्स दैट इज द फैक्ट्स एंड कंक्लूजन में एज पर द अबव प्रोविजन एज यू नो व्हाट वी राइट एज पर द अबव प्रोविजन द सेड कंपनी हैज नॉट सैटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अप्लाइड provisions in section 173 and SS1. Therefore, the given company has violated the provisions of Companies Act 2013. तो इस तरीके से आप उसको conclude कर सकते हैं, right? I hope आपको ये बात समझ में आ गई और इसी के साथ में हमने section number 173 को भी revise कर लिया। ऊपर वाले questions में हमने revise किया था section number 174 को, यानी यहाँ पे हमने देखा 173 को, right? चलिए, what is our next question, please? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इस तरीके से हम लोग लर्निंग ले सकते हैं, हमारा केस स्टडी भी सॉल्व हो रहा है और हम साथ साथ में रिवाइज भी कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स व्हाट इज नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एश लिमिटेड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है, डिसाइड टू होल्ड इट्स नेक्स्ट मीटिंग एट न्यूयॉर्क यूएसए। ये कहां पर करना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, न्यूयॉर्क में करना चाहते हैं यूएसए में, राइट। नाउ सिंस ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर गोइंग टू अटेंड अ सेल्स एग्जीबिशन टू बी हेल्ड एट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो सेल्स एग्जीबिशन होने वाला है वो लोग ये वैसे भी अटेंड करने वाले हैं एंड देयर ओनली दे आर प्लानिंग देयर नेक्स्ट मीटिंग बोर्ड मीटिंग राइट। सो एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड एडवाइज द बोर्ड about the validity of its decisions to hold the board meeting at New York. मतलब New York में जो board meeting होने वाली है, वो New York में क्या board meeting conduct कर सकते हैं? Question number one. दूसरा, इनकी registered office है New Delhi में, फिर भी क्या ये अपनी board meeting New York में conduct कर सकते हैं? ये सारे सवाल यहाँ पे arise हो रहे हैं, right? तो friends, let me tell you. अगर हम यहाँ पे तो बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है, अगर हम जनरली मीटिंग्स के रूल्स देखें तो बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग एंड सो ऑन, राइट। तो फ्रेंड्स अगर मैं जनरल मीटिंग की बात करता हूं, राइट, तो फ्रेंड्स इन दैट केस लेट्स से फॉर एग्जांपल एनुअल जनरल मीटिंग जो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 96 में, तो वहां पे वी हैव सीन दैट कि एजीएम जो है दैट शुड बी कंडक्टेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी ओनली। Yes, it says that registered office of company or any place within the same city, town, village where the registered office of company is situated. ये सब rules किसके लिए? फिर time of conducting AGM. Yes, AGM के timings है, it can be conducted only during business hours, that is 9 AM to 6 PM के बीच में ही हो सकती है AGM. Place के बारे में मैंने आपको बताया, day के बारे में they should be any day other than national holiday. तो फ्रेंड्स ये जो सारे रूल्स है सेक्शन नंबर 96 में फॉर AGM, क्या ऐसे कोई रूल्स हमने बोर्ड मीटिंग के लिए पढ़े हैं क्या? आर देर एनी रूल्स टू कंडक्ट बोर्ड मीटिंग? तो फ्रेंड्स आंसर इज वॉट एवर रूल्स वी स्टडीड जस्ट नाउ, जो हमने रिवाइज किया अभी अभी, दैट इज नथिंग बट सेक्शन नंबर 96. सेक्शन नंबर 96 जिसमें अपन बात करते हैं एजीएम के बारे में, एजीएम का हमने प्लेस डिस्कस किया, राइट, हमने टाइम डिस्कस किया, हमने डे डिस्कस किया, राइट। तो फिर ऐसे कोई रूल्स क्या बोर्ड मीटिंग पर भी एप्लीकेबल होते हैं क्या? तो आंसर इज नो, मीन्स बोर्ड मीटिंग में ऐसे कोई भी रूल्स सेक्शन 96 जैसे नहीं है। तो कॉन्क्लूड क्या होता है? कॉन्क्लूड एक ही चीज होती है कि बोर्ड मीटिंग कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस एंड दैट प्लेस कैन बी इवन आउटसाइड इंडिया, नो प्रॉब्लम, चलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? मीटिंग कंडक्ट करना, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ाना, राइट। सो दैट कैन बी डन
दैट कैन बी डन इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे प्लेस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो गिवन केस में, न्यूयॉर्क में मीटिंग करना चाहते हैं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्लेस की कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लेस का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टाइम की बात करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डे की बात करूं, कोई प्रॉब्लम। सी, बोर्ड मीटिंग कैन बी कंडक्टेड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे कैन कंडक्ट एज पर देयर ओन कन्वीनियंस, नो प्रॉब्लम। तो जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं सेक्शन नंबर 96 में, वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस। सो दैट इज द प्रोविजन। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन नंबर 96, ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे फैक्ट्स में क्या क्या हुआ है। हम ये एप्लीकेबल प्रोविजंस में आफ्टर एक्सप्लेनिंग सेक्शन नंबर 96 हम ये भी लिखेंगे कि बोर्ड मीटिंग के केस में ऐसे कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। देन वी राइट द फैक्ट्स। एज यू नो फैक्ट्स में क्या आता है, ओनली द लाइंस फ्रॉम द क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे फैक्ट्स में, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एस्ट लिमिटेड, जिनकी रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, दे डिसाइड टू होल्ड इट्स नेक्स्ट मीटिंग इन न्यूयॉर्क यूएसए। दिस इज ओनली द फैक्ट्स, राइट। एंड देन इन द कॉन्क्लूजन हम लोग क्या लिखेंगे, एज पर द अबव प्रोविजन, एज पर द अबव प्रोविजन। याद रखना, आपका जो अबव प्रोविजन है वो सफिशियंट होना चाहिए, वो प्रूफ करने के लिए इनफ होना चाहिए, ठीक है। सो यस, एज पर द अबव प्रोविजन क्या आएगा फ्रेंड्स आंसर, कम ऑन एवरीवन। एज पर द अबव प्रोविजन बोर्ड मीटिंग कैन बी कंडक्टेड इन यूएसए, दैट इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कंडक्ट हो सकती है, एज द बोर्ड मीटिंग कैन बी कंडक्टेड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो देयर आर नो सच रेस्ट्रिक्शंस लाइक सेक्शन 96 इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग। देयरफॉर द कंपनी कैन कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग एंड व्हाटएवर डिसीजंस विल बी टेकन इन द बोर्ड मीटिंग कंडक्टेड इन न्यूयॉर्क शैल बी वैलिड। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीबॉडी फ्रेंड्स, राइट। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बचा लो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट अ फैक्ट्री प्रमाइसेस ऑफ अ कंपनी। समझ में आ रही बात, कंपनी के फैक्ट्री प्रमाइसेस में मीटिंग रखी गई थी एंड नॉट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, ओके। लेकिन एनीवे हमने देखा कि बोर्ड मीटिंग के केस में रजिस्टर्ड ऑफिस जरूरी नहीं, ठीक है। फिर क्या बोला, देखिए, एट द स्केड्यूल्ड डेट एंड टाइम द रिक्वायर्ड कोरम वाज नॉट प्रेजेंट। कोरम प्रेजेंट नहीं था, जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए वो प्रेजेंट नहीं थे। हमने इसको ऑलरेडी रिवाइज कर लिया सेक्शन नंबर 174 में ऊपर वाले क्वेश्चंस में, राइट। तो कोरम वाज नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अनाउंस्ड दैट मीटिंग इज डिसॉल्व। मीटिंग को क्या अनाउंस कर दिया, डिसॉल्व अनाउंस कर दिया। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं यहाँ पे क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो अगेन सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड योर सेक्शन नंबर 96। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक्शन 96 पहले, राइट, कि एजीएम में देर आर रूल्स रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, day of meeting, right? However, such rules are not applicable for board meeting. मतलब board meeting क्या factory premises में हो सकता है? Answer is ऐसा कोई rule नहीं है, मतलब हो सकता है, right? Because ऐसा बोला गया है कि board meeting can be conducted as per the convenience of board of directors. So no problem in this case, right? तो friends यहाँ पे ये जो factory premises में board meeting करने की बात हो रही है उसमें कोई problem? No problem. चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद अगर आप देख रहे हो फ्रेंड्स क्या बोला गया, उस स्केड्यूल डेट एंड टाइम पर कोरम वाज नॉट प्रेजेंट, राइट। तो कोरम होता कितना है बच्चों, लो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या फिर 2 डायरेक्टर्स व्हिच एवर इज हायर। तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्शन नंबर 174 का पार्ट। तो जो कोरम था, शॉर्ट में लिखना है उसे, तो जो कोरम चाहिए था वो प्रेजेंट नहीं था, तो कंपनी के चेयरमैन ने बोले मीटिंग तो डिसॉल्व हो गई। तो फ्रेंड्स हमने जो पढ़ा है सेक्शन नंबर 174 में, हमने जो पढ़ा है सेक्शन नंबर 174 में, दैट इज कोरम, राइट। यस,
हमने कोरम के बारे में तो पढ़ा, लेकिन 174 SS1 में ये भी बोला गया है कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग क्या डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, मीटिंग विल बी एडजॉर्न्ड, मीटिंग शैल स्टैंड एडजॉर्न्ड टू द सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। तो यहां पे अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग जो है वो डिसॉल्व नहीं होती। ये गलत है स्टेटमेंट, ये जो चेयरमैन ने जो डिसीजन लिया वो गलत है। मीटिंग इज नॉट डिसॉल्व, मीटिंग इज एडजॉर्न्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? यस, मीटिंग शैल बी एडजॉर्न्ड टू द सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वो नेक्स्ट वीक वाला डे इज अ नेशनल हॉलीडे तो क्या करें? तो मीटिंग शैल नॉट बी कंडक्टेड ऑन दैट डे बट ऑन द नेक्स्ट डे। यस, I hope you are getting the point, everybody. तो जो applicable provisions है वो होंगे section number 96 and 174. ठीक है? 174 में quorum कितना है वो भी हम बताएंगे, and quorum present नहीं है तो क्या होता है वो भी यहाँ पे specify करेंगे, right? And then you write the facts of the case as you know from the question itself. कि इन्होंने factory premises में meeting बुलाई, quorum was not present, and chairman has announced the meeting to be dissolved, which is wrong. ठीक है? तो यहाँ पे फैक्ट्स लिख दिया, एंड देन कंक्लूजन एज पर द अबाउ प्रोविजन क्या कंक्लूड होता है? कंक्लूड ये होता है दैट बोर्ड मीटिंग कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस, देयरफॉर मीटिंग कैन बी कंडक्टेड ऑन एट द फैक्ट्री प्रमाइसेस ऑफ कंपनी आल्सो, नो प्रॉब्लम, राइट? एंड एज द कोरम वाज नॉट प्रेजेंट इन द सेड मीटिंग, द डिसीजन ऑफ चेयरमैन टू डिसॉल्व द मीटिंग is invalid, is not at all tenable. Are you getting my point? It is not at all tenable. It is not tenable. Why? Because meeting, if the quorum is not present, meeting shall be adjourned to the same day, same time, same place next week. So meeting adjourned hoti hai, cancelled. Okay? So that is the point here in the question number 5. I hope you understood this much, everybody. Right? Chalo, what is next now? Next question, kya kehta hai? Sixth one. Now, so friends, next question कहता है कि as a CS of Joy Limited, what step would you take in case the scheduled board meeting could not complete the agenda stated there? मतलब जो meeting schedule की गई थी उसमें जो agenda के हमारे सारे points थे वो complete नहीं हो पाए. So the items of the business left and untransacted are of extreme importance for the company's growth and same cannot be deferred until the next board meeting because of urgency. So advise the board about the steps to be taken to get the untransacted items passed. So friends, kya samajh mein aati hai baat? Ki inhone board meeting rakhi thi, lekin usme agenda ke hamare sare points jo hai wo discuss nahi ho paaye, jo untransacted business tha वो कंपनी के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपनीज ग्रोथ, एंड इसको हम नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक होल्ड पे नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ अर्जेंसी। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? यू हैव टू एडवाइस एज अ सीएस टू दिस कंपनी। तो फ्रेंड्स, आंसर इज वेरी सिंपल। क्या कि ये जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी इसको आप क्या कर दो? उसको आप एडजर्न कर दो, एंड मीटिंग कंडक्ट करो कभी same day, same time, same place next week, right? एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, हाँ या ना? Yes. Secondly, और क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने इस चैप्टर में? फ्रेंड्स, इस चैप्टर में और एक बात आती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो कंडक्ट द मीटिंग बाय ऑडियो विजुअल मीन्स। तो अगर आप नेक्स्ट वीक तक नहीं रुकना चाहते तो ऑडियो विजुअल मीन्स से भी मीटिंग कंडक्ट कर लो और ये सारे अनट्रांजेक्टेड बिजनेस को पूरा करो। या फिर फ्रेंड्स, देयर इज वन मोर वे, दैट इज सेक्शन नंबर 175, दैट इज रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। यस, मतलब जो बिजनेस यहाँ पे अनट्रांजेक्टेड है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट कैन बी कंप्लीटेड, दैट कैन बी पास्ड बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो पास किया जाता है बाय सर्कुलेटिंग द ड्राफ्ट। मतलब पहले एक ड्राफ्ट बना लिया कि भाई किस चीज का रेजोल्यूशन पास करना,
अब इस ड्राफ्ट को हम भेजेंगे सारे डायरेक्टर्स के पास। तो सारे डायरेक्टर्स के पास भेज दिया, अभी डायरेक्टर्स अकॉर्डिंगली अपना वोट अफिक्स करेंगे उसमें, राइट, एंड सबमिट करेंगे। एंड इस वोटिंग के बेसिस पर क्या किया जाएगा, उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 175 एंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 क्या कहता है कि आप मीटिंग कंडक्ट किए बिना भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। That option is also open over here. तो मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए, एक तो मीटिंग एडजर्न कर दो, सेकेंडली ऑडियो विजुअल मीन से मीटिंग कंडक्ट करके ये अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन को फिनिश करो, एंड तीसरा रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन 175, सेक्शन नंबर 175। सो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो CS can guide this company regarding all these options. तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो तीनों चीज के प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन यू कैन राइट द फैक्ट्स, फैक्ट्स ऑफ द केस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट, एंड देन द कंक्लूजन। सो इन द कंक्लूजन व्हाट वी विल राइट फ्रेंड्स, एज पर द अबव प्रोविजन ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। सो कंपनी कैन कंप्लीट द अनट्रांजैक्टेड आइटम्स इन द इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, राइट। तो जब भी हम लोग प्रोविजंस लिखेंगे उसमें वी विल एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मीटिंग एडजर्न हो सकती है, तो आप एडजर्न वाला पार्ट लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन था ऑडियो विजुअल मैनर से भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, दैट कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ प्रोविजन। एंड थर्ड वन सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सेक्शन 175। तो तीनों लिखने के बाद फैक्ट्स के बाद ही राइट योर फाइनल आंसर, राइट, कैन फिनिश ट्रांजेक्शंस कैन बी कंप्लीटेड इन द सो एंड सो मैनर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप यू गॉट द हिंट्स फॉर राइटिंग द आंसर। आफ्टर दैट व्हाट इज नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स ऑफ रियलिटी लिमिटेड प्रोवाइड्स दैट द डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मींस इन इट्स बोर्ड मीटिंग्स शैल ऑलवेज बी काउंटेड फॉर कोरम। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोविजन विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स अगर ऑडियो विजुअल मैनर से भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं तो उसे कोरम में हमेशा काउंट किया जाए, ऐसा कह रहा है हमारा कंपनी के आर्टिकल्स, राइट। तो फ्रेंड्स क्या लगता है आपको, ये जो आर्टिकल्स में जो लिखा है वो सही है? आंसर इज 100% इट इज करेक्ट, यस। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं मीटिंग अटेंड करने के बारे में, तो यस, directors can attend the meeting by audio visual manner also, and under section 174 that is also counted as quorum, yes। aap ye dono provisions yahan pe explain kar sakte ho, right। so iska matlab fir aap likh sakte ho facts ke articles mein aisa likha hua hai, and then the conclusion that as per the above provision, right, as per the above provision the articles of reality limited provides the directors participating will be counted, participating through audiovisual means will be counted for quorum is valid, that is absolutely valid। so इस तरीके से हम इसको conclude कर सकते हैं। तो I hope आपको ये बात समझ में आ गई है, बहुत simple सा question था, लेकिन again this was asked earlier in your exams, are you getting my point? so that is the part here, I hope you have understood everybody, right। तो ये हो गया हमारा 7th one, ठीक है। What is next? Friends, next one that is the 8th question, 8th and the last question, जो कहता है that is a board meeting of a public listed company was called at short notice to transact an urgent business. None of the independent directors could attend the meeting. Independent directors, बच्चा लोग आपको पता होगा section 149 में आप लोगों ने पढ़ा है, right? Examine the validity of the resolution passed at the meeting, referring to the provisions of Companies Act 2013. Friends, काफी interesting part है। क्या बोला यहाँ पे कि meeting जो है वो short notice पे, you know, public listed company was called, meeting, board meeting of this company was called at a short notice to transact the urgent business। तो friends क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? तो इसके लिए हमें पहले यहां पे एप्लीकेबल प्रोविजंस पे बात करनी होगी रिगार्डिंग नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग,
किसके बारे में बात करनी होगी, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो कि 173 का ही पार्ट होता है, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो फ्रेंड्स चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, बोर्ड मीटिंग के केस में कितने दिन की नोटिस देनी पड़ती है, क्या लगता है कितना दिन प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग फ्रेंड्स? तो आंसर है 7 days प्रायर नोटिस। हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस? 7 days प्रायर नोटिस नीड टू बी गिवन, 7 days प्रायर ओके नीड टू बी गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स। उसके बाद बच्चे लोग 7 दिन पहले नोटिस देंगे तो समझ में आया, बट कैन मीटिंग बी कंडक्टेड एट अ शॉर्ट नोटिस ऑल्सो? आंसर इज यस। बच्चे लोग मीटिंग जो है वो शॉर्ट नोटिस पर भी कंडक्ट हो सकती है। मीटिंग कैन बी कंडक्टेड एट शॉर्ट नोटिस, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। व्हाट आर द कंडीशंस फ्रेंड्स? कंडीशन ये है कि इफ द मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड एट शॉर्ट नोटिस, तो उस मीटिंग में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट। एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। यस, ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट। एंड फ्रेंड्स अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो if no independent director is present in the meeting, जैसे आपने देखा in the given case वैसे ही तो हुआ है, none of the independent directors were present। तो अगर आप short notice में meeting बुला रहे हो तो general rule कहता है कि independent director present होना चाहिए, and अगर present नहीं है तो क्या करेंगे? If independent director is not present then no problem, आप meeting फिर भी conduct कर सकते हो। Yes, meeting can be conducted। And जो भी decisions लिए जाएंगे मीटिंग में, कौन से मीटिंग की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं उस मीटिंग के बारे में जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? So जो भी decisions लिए जाएंगे, ये सारे के सारे decisions will be circulated. Decisions will be what friends? Circulated to all the directors. To what friends? All the directors. सारे directors को ये डिसीजन जो है वो सर्कुलेट किया जाएगा, एंड दिस डिसीजन विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल। दिस डिसीजन विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल ओनली व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यस, तो सबको सर्कुलेट करो, प्लस इट शैल बी रेटिफाइड, इट हैज टू बी रेटिफाइड एटलीस्ट रेटिफाइड बाय ratified by one independent director. Yes. तभी जाके वो decision जो है वो final consider किया जाएगा। I hope आपको ये notice की बात समझ में आई। And मैं आपको और एक बात अगर बताऊँ notice के बारे में, तो obviously notice can be sent by post or by electronic means also. No problem. 7 days prior notice होनी चाहिए। And short notice अगर हो रही है meeting तो आपके सामने रूल्स है। Right? So after all this, we can write the facts of the case. Yes, as per the above provisions, meeting can be conducted at short notice, even if none of the independent directors were present, then also meeting can be conducted. But however, the decisions taken at such meeting shall be circulated to all the directors, and it has to be ratified by at least one independent director. So that will be your conclusion, right? आई होप फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई। हम जो रिवाइज कर रहे हैं आंसर्स के मोड से, आई होप यू अंडरस्टूड दैट मच आल्सो, ठीक है? तो फ्रेंड्स नाउ इफ आई गो टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो पहली बात तो इसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो है, यहाँ पे आता है यस सेक्शन 173 जो बात करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में।
देन आता है 174 जो बात करता है कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में, 175 विच स्पीक्स अबाउट द सर्कुलेशन रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, एंड फाइनली आता है SS1 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड व्हिच इज SS1 व्हिच इज फॉर बोर्ड मीटिंग। ठीक है तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऑब्वियसली 173 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें नोटिस का पार्ट भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी। देन नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ 7 डेज प्रायर नोटिस, शॉर्ट नोटिस पर भी मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। ठीक है उसके बाद है सेक्शन नंबर 174 दैट इज कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। कोरम आपको पता ही है क्या आएगा, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स राइट और 2 डायरेक्टर्स whichever is higher, this is one thing, and हमने ये भी देखा था कि articles of association क्या कर सकता है, एक higher number भी provide कर सकता है, मतलब 1/3 से ज़्यादा लोग को भी present होना चाहिए ऐसे quorum में consider कर सकता है। ठीक है next is resolution by circulation, as you know क्या resolution by circulation, draft will be circulated to all the directors, ये भी एक important topic है, directors will accordingly vote, right? Yes, and then accordingly voting consider करके resolution will be passed by circulation. That is your section number 175, right? Then it comes chairman of board meeting. Yes, friends. हर एक meeting का एक chairman होता है, friends. याद रखना ये बात. And also आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा इस chapter के अंदर, friends, कि chairman का क्या क्या रोल है. So, चेयरमैन अगर चाहे तो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, कोरम प्रेजेंट है कि नहीं इस बात को चेक कर सकता है, राइट मिनट्स को मेंटेन कर सकता है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हमारे चेयरमैन की है, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। एंड लास्टली मिनट्स बुक ऑफ बोर्ड मीटिंग, ऐसे तो ये सेक्शन 118 में दिया हुआ है, इसलिए हेडिंग इज मिनट्स ऑफ मीटिंग, दैट्स इट, स्पेसिफिकली कोई बोर्ड मीटिंग के बारे में नहीं बोला है। ठीक है तो सिर्फ क्या बोला है, minutes of meeting, that's it, nothing else. Okay. Now see friends, तो यहाँ पे आप section 118 को भी अच्छे से revise करेंगे कि क्या-क्या content होते हैं minutes book. Like for example, who all were present, what topics were considered, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, everything, everything, everything. Right? कोई किसी director ने audio visual manner से meeting attend की थी, तो वो कौन था, कहाँ से attend कर रहा था, all such things. ये minutes book वाला जो topic है, that is section 118 you will see in the general meeting also. ठीक है तो ये है कुछ important topics 173, 174, 175 and 118. Please don't miss out any of these topics and I am making it once more very clear. Whatever sections or topic name I am writing on screen, that is not that कि exam में यही आने वाला है, ये तो सिर्फ क्या है important topics, मतलब you cannot avoid, you cannot ignore these points, right? So that is the part here. I hope friends हमने ये सारी चीजें हमने पढ़ ली यहाँ पे, एंड मैं आपको और चीज बता दूं, इन दिस चैप्टर इन योर ICSI मॉड्यूल यू कैन सी वन मोर थिंग, दैट इज इन द लास्ट टॉपिक दैट इज आफ्टर सेक्शन 118 यू कैन सी इट इज गिवन देयर दैट इज रोल ऑफ CS, ड्यूटीज ऑफ CS, व्हाट विल CS डू बिफोर द मीटिंग, एट द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, राइट? तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये CS का रोल का भी एक टॉपिक है, यू कैन कंसीडर दैट आल्सो, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट में ही आता है, राइट? तो फ्रेंड्स आई होप दिस मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स कमिटी क्लियर है। यस रिगार्डिंग कमिटीज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, फ्रेंड्स आप लोगों ने काफी कमिटीज पढ़ी होगी, लाइक ऑडिट कमिटी, सेक्शन नंबर 177 आपको याद होगा, राइट? देन रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन कमिटी 178, CSR कमिटी 135, तो ऐसे जितनी भी कमिटीज आपने पढ़ी है फ्रेंड्स, उन कमिटीज को भी जहां जहां पर भी बोला है मीटिंग कंडक्ट करने को, दे आल्सो हैव टू कंडक्ट द मीटिंग। फर्क सिर्फ इतना होगा वहां पे मीटिंग जो कंडक्ट हो रही है वो उनके मेंबर्स की मीटिंग है, एंड यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग्स के बारे में, राइट? सो अकॉर्डिंगली इज द टॉपिक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक दैट इज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, राइट, एंड इट्स कमिटीज। If you like this, please share it with your friends, right? Because हमने 8 questions solve किए हैं regarding the board meeting chapter right now in this video. You can practice those questions. सच में आप लिखिए कैसे frame out हो रहा है आपका answer. लेकिन ये सबके पहले अच्छे से पहले एक बार revise करिए.
Right, friends? So that's it for this board meeting chapter. See you in the next video. If you like this video, just give a like and please share this if you feel it is useful. Right? As you know, we are discussing maximum case study questions, right? Covering all the topics. Thank you so much, everybody. See you in the next video with a new chapter. Bye-bye, everyone. Good luck. Take care.